हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने फ़ोटो को नवरात्रि फ़ोटो फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक फ़ोटो को कन्वर्ट किया है और थंबनेल में किस तरह से लगाया। फ्रेंड्स तो आप लोग भी उस तरह से एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है फ्रेंड्स तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले आपको अपना डाटा ऑन करना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने अपना डाटा कुछ इस प्रकार से ऑन कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद आपको मेन्यू में आना है, उसके बाद आपको फेसबुक में जाना है। फ्रेंड्स देखिए मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा फेसबुक यहाँ है, अब मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ। अगर आप फेसबुक चलाते हैं जियो फोन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं चलाते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपके सामने जब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स तो आपको करना क्या होगा, ये देखिए मैं आपको ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आना होगा आपको सर्च ऑप्शन पे, ये देखिए सर्च ऑप्शन। उसके बाद यहाँ आपको सर्च करना है फ्रेंड एंड मेरा चैनल का नाम फ्रेंड्स एंड टी आर आई सी के एंट्रिक जियो। ये देखिए फ्रेंड्स आपको फेसबुक में अपना आईडी में जा करके antrickjio सर्च करना है। तो ये मैं सर्च किया फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग करेगा फ्रेंड्स। तो सबसे फर्स्ट में जो आएगी मेरी आईडी फ्रेंड्स, उसमें आपको करना क्या होगा, आपको ये देखिए यहाँ से एक बार इस पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ये इस तरह से जब क्लिक हो जाएगा फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, ये antrickjio जहाँ लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स उस पर क्लिक करना होगा। तो ये फिर से हमारे सामने कुछ लोडिंग करेगा फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स अगर आप मुझे फॉलो करेंगे या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं रेगुलर जो भी हमारे न्यू वीडियोस होते हैं उसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स। उसके थंबनेल को सबसे पहले यहीं के लोग देख पाते हैं। तो ये देखिए जो हमने अभी बहुत सारे अपलोड किए हैं, ये देखिए हमने जो अपना फ़ोटो वर्ड्स वो अपलोड किया फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या होगा, आपको फिर से ऊपर जाना होगा फ्रेंड्स, आप हमारा फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा, ये देखिए मैं आपको हमारे आईडी पे आना होगा फ्रेंड्स। आईडी पे आकर के आपको इस पर क्लिक करना होगा, देखिए मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ। तो ये क्लिक जब हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी। तो आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा प्रोफाइल फोटो फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा इसे अजमाए पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, इसे अजमाए पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए अब जब यह खुल जाएगा पूरी तरह से फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने अपना एक फ़ोटो जो है आपका जो भी प्रोफाइल फ़ोटो होगा उस पर ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं मेरा दूसरे फ़ोटो पे लग चुका है, जैसे हमने किया नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी। अब जैसे आप यहाँ से अपना फ़ोटो बदल सकते हैं, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोटो बदले पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो, जैसे कि इस बार मैं ये ऊपर वाला फ़ोटो चूज करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये फिर से हमारे सामने कुछ इस तरह के लोडिंग करेगा फ्रेंड्स। और देखिए ये जो है हमारा फ़ोटो को ये लोडिंग करके फिर से हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए आ चुका है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी ये। तो आप जैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे फ्रेंड्स प्रोफाइल चित्र के रूप में उपयोग करें
तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए फ्रेंड्स अब ये लोडिंग कर रहा है, तो ये देखिए जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको अनेबल टू कनेक्ट इस तरह से आएगा तो आपको कट कर देना है फ्रेंड्स। आपको फिर से फेसबुक ओपन करना, फेसबुक ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए मेरी जो आईडी है फ्रेंड्स ये वहाँ पे आ चुकी है फ्रेंड्स। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो, फोटो पे जो है हमारा फोटो नवरात्रि फोटो फ्रेम फ्रेंड्स वो लग चुका होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को अगर अच्छे से दिख रही है तो लग चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में नाइस और नाइस वीडियो और डाउनलोड लिख के कमेंट करें फ्रेंड्स, तब मैं इस फोटो को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं भी बता दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तब मैं आप लोगों को इस फोटो को डाउनलोड करना भी बता दूंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।